आज की वीडियो लद्दाख 2022 सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। देखिए मैं हूँ अभी उपसी में और आज जा रहा हूँ मनाली। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो। लद्दाख का ये सफ़र अब बस अपने अंतिम पड़ाव पे है। मैं न्योमा से चलकर कल उपसी आया था क्योंकि मुझे चाहिए था पेट्रोल। मैंने जो एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी किया था सारे ख़त्म हो गए थे और मुझे पेट्रोल की बड़ी सख्त ज़रूरत थी और पेट्रोल पंप है करू में, तो मुझे आना पड़ा करू। करू से जैसे ही पेट्रोल फुल करवा कर मैं वापस उपसी आया तो मुझे चेक पोस्ट से आगे जाने से मना कर दिया गया क्योंकि कुछ ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन वगैरह थे। शायद वो 10 बजे के बाद किसी को लेह मनाली हाईवे पर जाने नहीं दे रहे थे, लेह से मनाली की तरफ। तो मुझे मजबूरन वहीं पर एक होम स्टे में रूम लेना पड़ा और मैं यहीं उपसी में रुक गया। अब आज सुबह मैं तैयार हूँ अभी मनाली के लिए। आज का सफ़र बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि आज मुझे एक ही दिन में चार पासेज क्रॉस करने हैं। सबसे पहले आएगा तंगलंगला, फिर लचंगला और फिर नकीला और लास्ट में सबसे जब्बर वाला बारालाचा। तो सफ़र तो भाई आज ज़बरदस्त एडवेंचरस होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आएगा आपको आज। और तंगलंगला पे आज होने वाली है भारी मुश्किल क्योंकि सुबह सुबह का भी टाइम है और ठंड बहुत है, बहुत ठंड है बाहर। तो तंगलंगला पे तो और ज़्यादा ठंड होने वाली है, बैंड बजने वाली है आज। कोई नहीं, चलते हैं और दिखाते हैं आपको लेह मनाली हाईवे। तो अभी कुछ यूँ है लेह मनाली हाईवे की हालात। शायद रिपेयरिंग के लिए उन्होंने जो छोटे छोटे गड्ढे थे ना उसे बड़े कर दिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है और ऊपर तो मौसम बहुत खराब है। मुझे लग रहा था कि धूप निकली होगी लेकिन नहीं, सामने से ऐसे ही बादल बादल दिख रहे हैं पूरे। उंगलियां तो अभी से जम गई। तंगलंगला टॉप अभी भी 18 किलोमीटर। है डेंजर, इधर पूरी सड़क जमी पड़ी है। पहले गियर में धीरे धीरे जाने दो। जमा हुआ है, बस ब्रेक नहीं छूना। जान दो आगे। अरे आगे जाने दो भाई। ब्रेक
नो ब्रेक। हम पहुंच गए तंगलंगला टॉप। यू हैव रीच तंगलंगला। तो ये था तंगलंगला एल्टीट्यूड 17,582 फीट। अब यहाँ से उतर रहे हैं नीचे, तो नीचे थोड़ा सा एक पैच है जहाँ पे बर्फ थोड़ी सी दिख रही है, उसके बाद तो शायद क्लियर ही है। बच गए इसलिए खुश है। ये गिरने की खुशी है, ये बच गए उसकी खुशी है। आगे हम बढ़ रहे हैं पांग की तरफ। पांग यहाँ से बस अब थोड़ी दूर है, यहाँ से सिर्फ नीचे उतरेंगे पांग आ जाएगा। और यहाँ आप देखो ये पहाड़ों की आकृति क्या अजीब व गरीब तरीके से कटे हुए होते हैं ये पहाड़। मतलब ये सदियों के हवा के थपेड़े खा खा के इन्होंने अपनी ऐसी आकृति बना ली है। पांग के बाद सड़क की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी ख़राब रोड है और ये सरचू तक जारी रहेगा। नीचे नदी पूरी तरह से जमी हुई है और नज़ारे एक नंबर नज़ारे। ये पहाड़ों के बीच में से जो सड़क जा रही है क्या शानदार दिख रहा है। रास्ते थोड़े से ख़राब हैं लेकिन चलेगा। तो हम आ गए हैं लाचेलुंगला, एल्टीट्यूड है 16,216। वाह क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फोटो वोटो लेते हैं। लाचा की चढ़ाई शुरू हो गई भाई, अब तो एक नंबर रोड बना दिया बारा लाचा।
पिछले साल जब मैं आया था तो ये रास्ते बहुत ही खराब हुआ करते थे। अभी तो भाई हम एक नंबर टॉप क्लास के टर्मिनल रोड बना दिए, आसान हो गया बड़ा लाचा। भाई देख लो रोड के दोनों तरफ के फर्क किए मोटी मोटी दीवारें। भाई क्या नजारे हैं यार। रास्ते यहाँ पे थोड़े से खराब हैं लेकिन नजारे भाई साहब गजब कत्ल है कत्ल। हमारा लाचा बस सब पहुंचने ही वाले हैं। भाई इसकी खूबसूरती एकदम नेक्स्ट लेवल की है, एकदम नेक्स्ट लेवल। क्या लग रहा है बस पास पे हम पहुंचने ही वाले हैं, एक दो किलोमीटर और होंगे लगभग। बोट वगैरह तो नहीं है लगेगी, ये दोनों तरफ बर्फ हो। गजब गजब। तो ये है बारालाचा, एल्टीट्यूड 16,000 फीट, हिमाचल में मौजूद ये शायद सबसे खूबसूरत पास। क्या गजब की खूबसूरती है यहाँ पे। और मई है, आज है 13 मई, बिल्कुल आज मई महीना है और इतनी बर्फ अभी है यहाँ पे कितनी। तो हम बारालाचा से नीचे की तरफ से जा रहे हैं। भाई बारालाचा 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक जन्नत है, क्या कमाल की जगह है। अभी यहाँ से आगे आएगा एक सूरज ताल, शायद अभी तो पूरी तरह से जमा होगा, इतनी बर्फ यहाँ पे है तो वो तो पक्का पूरी तरह से जमा हुआ होगा बर्फ। तो हम अब यहाँ से सीधा निकलते हैं मनाली के लिए। मनाली है यहाँ से भी लगभग 140 किलोमीटर और मुझे लगेंगे 4 से 5 घंटे अभी लग जाएंगे, तो देखते हैं। जैसे कि उम्मीद थी वैसे ही बारालाचा निकला, उम्मीद के अनुरूप। उम्मीद थी कि बारालाचा पे बहुत बर्फ मिलेगी और भाई साहब था बर्फ ही आता था। बारालाचा ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। मनाली से जुड़ता है और इंजीनियरिंग का क्या शानदार मकान है। रोहतांग पास पे बना हुआ है यहाँ और इस टनल के बनने की वजह से अब रोहतांग क्रॉस नहीं करना पड़ता मनाली या स्पीति जाने लाहौल जाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अभी सीधा मनाली पर। अभी शाम के 8 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं मनाली। लद्दाख 2022 सीरीज को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ये राइड मेरी अब तक की कुछ सबसे बेहतरीन राइड में से एक थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और लद्दाख 2022 सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। ये राइड मेरी अब तक की कुछ सबसे बेहतरीन राइड में से एक थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और लद्दाख 2022 सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप अपनी लद्दाख इस लद्दाख सीरीज की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए और वीडियो देखिए
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एडवेंचरस वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र पर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।